हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो चलिए थियरी हम देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्किंग करता है। और ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज लेवल को चेंज करने के लिए उपयोग में आता है। ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, यानी वोल्टेज के लेवल को चेंज हम कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो और फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकता है। ये जो वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए आप ये जो फिगर है रिफर कर सकते हो। सबसे पहले ये जो है, ये टर्न्स है जो प्राइमरी वाइंडिंग से हम इसे जानते हैं, ठीक है। एनपी ये है प्राइमरी टर्न्स, ये है सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल में है, ये आयरन कोर है। अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो है रेक्टेंगल में, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। अब हम जब प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एसी वोल्टेज वी थ्री प्राइमरी वोल्टेज, तो जब वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा आईपी। अब करंट जब यहां से फ्लो होगा इस तरीके से, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, जो फ्लक्स यहां से फ्लो होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में से फ्लो होकर फिर से प्राइमरी वाइंडिंग में आएगा। यानी ये जो कोर है इसमें से फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है यहां से फ्लो होगा, ठीक है। ये जो फ्लक्स है वो जब सेकेंडरी में से पसार होगा, तो सेकेंडरी में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा जिसे हम ईएस से इंडिकेट करेंगे। फिर ये जो फ्लक्स है आगे प्राइमरी में जब आएगा, तो प्राइमरी में भी एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा जिसे हम ईपी से इंडिकेट करेंगे। अब जब सेकेंडरी अभी ओपन है, अगर क्लोज होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वीएस रहेगा, सेकेंडरी में से करंट फ्लो होगा आईएस, ठीक है। अब जब भी वोल्टेज, जो प्राइमरी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रहेगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा रहेगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, ठीक है। तो वोल्टेज का लेवल चेंज होते ही फ्लक्स भी यहाँ पे चेंज होता रहता है और उसी के हिसाब से सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट होगा। अब हम बात करेंगे वोल्टेज डेवलप के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर पावर को चेंज नहीं करता है, सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है। तो प्राइमरी साइड में वोल्टेज क्या है, वीपी और करंट आईपी। सेकेंडरी साइड में पावर वीएस आईएस, ठीक है। अब जब वोल्टेज का लेवल इंक्रीज होगा तो करंट का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो पावर तो सेम ही रहेगा, पावर चेंज नहीं होगा। और ट्रांसफॉर्मर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कांस्टेंट रखता है, यानी जो 50 हर्ज़ होगा तो 50 हर्ज़ ही रहेगा। अब हम बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैसे मिलेगा, ES इज इक्वल टू माइनस NS d phi बाई
dt, और प्राइमरी में जो फ्लक्स है वो मिलेगा माइनस np dphi by dt। अब यह है सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स, यह है प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स। अब हम देखेंगे, देखिए लॉस यहाँ पे निगलिजिबल है, तो हम EP इज इक्वल टू VP और ES इज इक्वल टू VS इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि लॉस निगलिजिबल है। अब EP इज इक्वल टू VP एंड ES इज इक्वल टू VS, तो यहाँ पे हम ES की जगह VP लगा देंगे और EP की जगह VP लगा देंगे, यहाँ पे VS लगा देंगे, ठीक है। तो VS इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू NS NP, ये हमारा सूत्र जाएगा। इसके बाद VP IP इज इक्वल टू VS IS, ठीक है। तो VS इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, ये आपको याद रखना है दो सूत्र। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।